नमस्ते दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो मेरे चैनल पे आने के लिए थैंक यू। तो आज मैं बताना चाह रहा था कि अगर आप बाहर कंट्री आना चाहते हो, छोटे मोटे जॉब करना चाहते हो प्राइवेट कंपनियों में, तो आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ काम तो आपसे जो कहेंगे वो तो करवा ही लेंगे और अलग से और ज़्यादा भी काम करवा लेंगे। तो आप लोगों को कम से कम जो सैलरी है, ड्यूटी टाइम है, ओवर टाइम है, सब वो सब कंफर्म करके आना चाहिए आपको। यहाँ सब प्रॉब्लम होने रहता है भाई यहाँ काम सारा काम बता देंगे, जो काम नहीं है वो भी काम बता देंगे और सैलरी वैली कहेंगे अपना कंपनी से आप देख लो हमें मतलब ये हमें काम से मतलब है, ये हमारे यहाँ सारा सब अरे सब इजिप्ट के सब डॉक्टर लोग हैं, सब 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 हरामी लोग, सब काम करवाने के लिए बस दिमाग ख़राब करते रहते हैं हर टाइम। और कहोगे सैलरी तो कहेगा भाई कंपनी से देख लो। इसलिए आप जब भी आओ तो आप ये देखिए आओ कि आपका बेसिक कितना घंटे ड्यूटी है, क्योंकि अभी तो सऊदी अरब में अभी क्या सऊदी अरब में क्या मतलब जो भी इस्लामिक कंट्री है इधर, तो उसमें एक घंटा ज़्यादा बेसिक ड्यूटी से ज़्यादा लेते हैं लोग, क्योंकि नमाज का टाइम रहता है तो 9 घंटा लेते हैं, बट बहुत जगह 10 घंटे भी ले लेते हैं काम। मतलब बेसिक जैसे इंडिया में 8 घंटे होता है काम करने का बेसिक, यहाँ 9 घंटे ले लेते हैं, 10 घंटे ले लेते हैं। और अभी तो मेरे यहाँ मतलब नमाज का टाइम में अब बंद भी नहीं हो रहा है तो उसका कटता है, मतलब 1 घंटा कम कर दिया, तब पर भी मुझे 9 घंटे बेसिक करना पड़ता है। और आपको जैसे बेसिक ड्यूटी हो गया, बेसिक सैलरी हो गया, ये सब पे आप पूरे गौर करके आओ कितना आपके रूम का रहने का देगा, क्योंकि हम सब शुरू में आए थे तो बस लिख देता है भाई कि फ्री रहने का फ्री है, खाने का फ्री है, बट ये सब बस यहाँ आके उल्लू बनाते रहते हैं। आप अगर आप आओ जो भी आप वीडियो देख रहे हो, अगर उसमें कोई लोग आप आना चाहते हो या जानकारी लेना चाहते हो, तो आप लोग ये सब ध्यान से तो देखो कितने पैसे देगा आपको रूम के, कितने पैसे देगा आपको खाने का, मतलब ये सब आप पहले से ये सब जान के आओगे, मेरे को उतना आइडिया नहीं था। तो आप भी गलती ना करो, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को ये, क्योंकि यहाँ काम वगैरह तो आपसे ज़्यादा ही ले लेंगे, तो कम से कम जो सैलरी वगैरह है या ड्यूटी वगैरह है वो तो आपके हाथ में रहना चाहिए कंट्रोल, क्योंकि यहाँ ऐसे ही होता है भाई कि आपको कहेगा कि सिर्फ आपका ये काम है कंपनी वाला, और फिर आप जहाँ पे काम करने जाओगे वहाँ पे कहेगा आपको कि ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, ये भी काम करना है, मूड ख़राब कर देगा आपका। काम ऐसे बहुत ज़्यादा रहता नहीं है, बट आदमी का जो काम नहीं हुआ आप उससे करवाएगा तो फिर आपका तो मूड तो खराब हो ही जाएगा। अभी भी इससे परेशान करके आया था मैं सब क्या बताऊँ, ये लोग काम करवाने में दिमाग ख़राब कर देते हैं, एक ही काम को 70 बार बताते रहेंगे। मेरे यहाँ तो जो भी है एक बुढ़ा है सारा अभी नया आया है, वो और दिमाग ख़राब करते रहा दिन भर, मैं 20 बार 25 बार ऐसी बता कहता रहेगा ये काम करो वो काम, काम बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है बट दिमाग ख़राब करता रहेगा, अच्छे से करो ये करो वो करो, बाकी ड्यूटी चल रहा है भाई स्मूथली, आप सब बस इंजॉय करते हो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन का। और इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।